हे दोस्तों, आज का यह वीडियो होने जा रहा है ड्रेन फाइल्स के बारे में, जो बाथरूम और बेसिन के आजू बाजू में झुंड में मंडराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिए कि इन मक्खियों को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, क्या अचानक आपके किचन, बाथरूम या बेसिन की नली के चारों ओर मक्खियों का झुंड दिखाई दे रहा है? ये ड्रेन फाइल्स हो सकती है। यह मक्खियाँ कई बीमारी फैलाने का कारण हो सकती है। इसके अलावा नाक में भी जा सकती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या नुस्खे आजमाए जिससे यह परमानेंट खत्म हो जाए? दोस्तों, पहले हम देखेंगे इसको खत्म कैसे किया जा सकता है और वीडियो के आखिर में देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति को कैसे रोका जाए। तो चलिए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर को स्प्रे बोतल में लेकर जरूरत के अनुसार इन मक्खियों के ऊपर स्प्रे करें। इससे ड्रेन फाइल्स मर जाएंगी। अगर आपके पास सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है तो कुछ और भी नुस्खे जिससे आप इन मक्खियों का खात्मा कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, यह वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जो ड्रेन फाइल से बहुत ही परेशान है। दूसरा उपाय, बेकिंग सोडा का करें उपयोग। बाथरूम नाली, किचन सिंक आदि जगह से ड्रेन फाइल्स को दूर भगाने के लिए सबसे आसान तरीका है बेकिंग सोडा। इसके इस्तेमाल से ड्रेन फाइल्स भाग जाते हैं और किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आती है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 कप पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद नाली में डालकर लगभग 1 से 2 घंटे ज़्यादा इफेक्ट के लिए पूरी रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अगले दिन सुबह उबलता हुआ गर्म पानी को नाली में डाल दीजिए। इस प्रक्रिया को हफ्ते में कम से कम 1-2 बार जरूर करें। इससे नाली में जमा हुआ कचरा और नाली में मौजूद ड्रेन फाइल्स की परेशानी दूर हो सकती है। अगला उपाय है सफ़ेद विनीगर यानी सिरका का उपयोग करें। घर में जो सफ़ेद विनीगर रहता है, वह विनीगर जो बहुत फायदेमंद है किचन के लिए, वही विनीगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेन फाइल से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो यह इजीली लोकल मार्केट में भी मिल जाता है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए सबसे पहले 1 ग्लास विनीगर लिक्विड में 2 चम्मच बर्तन धोने का लिक्विड सोप मिलाकर एक मिश्रण तैयार कीजिए। मिश्रण तैयार करने के बाद बाथरूम की नाली, किचन सिंक आदि जगहों पर डाल दीजिए। कुछ समय बाद उबलता हुआ गर्म पानी को नाली में डालें। इससे ड्रेन फाइल्स नष्ट हो जाती है और दीवार पे बैठी हुई ड्रेन फाइल्स को खत्म करने के लिए व्हाइट विनीगर को 1 ग्लास विनीगर और 1 ग्लास पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर के इन ड्रेन फाइल्स के ऊपर स्प्रे करें। इससे ड्रेन फाइल मर जाएंगे। अगला उपाय एकदम आसान तरीका है जो ड्रेन फाइल्स का अच्छे से खात्मा करके आपकी परेशानी को दूर करेगा, और वो है मस्कीटो मशीन, जिसमें मैक्सो लिक्विड वेपोराइजर रिफिल लगाकर बाथरूम की खिड़की और दरवाजे को बंद करके
रात भर रहने दें, इससे ड्रेन स्पाइल्स मर जाती हैं। अगर आपके पास मैक्सो लिक्विड नहीं है तो गुड नाइट का कॉइल भी जला सकते हैं, इससे आपकी ड्रेन फाइल्स की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ड्रेन फाइल्स बार बार आने का कारण है उसके अंडे। आप कितना भी ड्रेन फाइल्स को ऊपर ऊपर से ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर उनके अंडे वहाँ पे है तो वापस ये ड्रेन फाइल्स का इश्यू सामने आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि वो अंडों को भी कैसे नष्ट किया जा सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर एक व्यूअर अपने आप में एक एक्सपर्ट होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बाकी व्यूअर्स को भी बता सकते हैं कि आपने कौन सा नुस्खा आजमाया और इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ों का एडिशन करके कुछ ऐसा नुस्खा खोज लिया है जो बहुत ही प्रभावी तरीके से ड्रेन फाइल्स का खात्मा करता हो। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इससे बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइए। दोस्तों, ड्रेन फाइल की उत्पत्ति होने का मेन कारण है कि नलियों में फंसी गंदगी या बाल, जिससे इन ड्रेन फाइल्स की उत्पत्ति होती है। इसलिए पाइप को अच्छी तरह से साफ करके आपको आसानी से ड्रेन फाइल से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, डस्ट का डॉक्टर के साथ जितना आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उतना ही क्लीनिंग से जुड़े स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे। तो दोस्तों, एक लाइक आपके नाम। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।